सकता है पहले से ब्लॉक क्यों नहीं किया आपने उसको, या फिर आपने वहाँ पर क्यों नहीं देखा, मैं क्यों पीछे सफर करूँ? विस्तारा नहीं तो हमें अलॉट किया राइट, वहाँ भी आप ही का स्टाफ था राइट, उनके सिस्टम में भी डिटेल्स उतने ही रहे होंगे राइट, ट्रेंड ही स्टाफ होगा, कोई पहला दिन तो बंदे को बिठाया नहीं होगा, दिस इज एट योर फॉल्ट। नहीं नहीं नो मैम, फॉल्ट तो आप ही के इनसे, मैं बच्चे को कैरी कर रही हूँ, मैं 8 सीट पे कंफर्म, अगर पेड सीट थी कुछ भी है तो नीचे ही बताना चाहिए, आप मुझे बिल्कुल आ रहे हो बोर्डिंग के टाइम पे, उसका तो लोड वो सीट तो किसी के पास हो चुकी है। आपका नाम क्या? नाम से मेरे भाई, मैं तो इशू, हम तो इशू एस्केलेट करेंगे ना, मुझे ये मिला उसके यार आपने काट, तो फिर नाम बताने में क्या डर है सर? कोई बात नहीं, फोटो खींचने की बात नहीं, मैं ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही हूँ सर। आप लिखिए उस पे आपका नाम क्या है, मैं कैसे बात करूंगा? मेरा नाम नवनीत सिंह है सर, आप इस पे लिख दीजिए, आप इस पे लिख के मुझे दीजिए। यार ये निकल गई, रुको मैं लेती हूँ। गाइस ये जो क्लिप आपने देखी है ये 20 सितंबर जब हम नोएडा टू पुणे रिटर्न कर रहे थे तब की है। हाय गाइस, आपसे विस्तारा का एक बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर शेयर करना है। एक्चुअली हमने जब चेक इन किया हमें 8th रो अलॉट हुआ था, और जब हम बोर्डिंग के लिए फाइनल गेट पे पहुँचे तो हमें उन्होंने हमारे बोर्डिंग पास पे, आप क्लिप में देख लीजिएगा, उन्होंने रो कट करके, वो सीट कट करके हमें 9th रो अलॉट किया। सो वी क्वेश्चन इट, सो ऑन दैट दे सेड हम एक ही रो तो आपको पीछे कर रहे हैं। सो आई सेड हमें क्यों आप एक रो पीछे कर रहे हैं, आई एम कैरिंग अ बेबी, एंड जो भी न्यू मदर्स हैं दे वेरी वेल अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड कि बेबी के साथ जितना भी आगे आप रो में रहो उतना आपको ईजी रहता है, उसको भी क्योंकि बेबी भी वो प्रेशर फील करके उसे भी दिक्कत होती है, और आपको एक लेग स्पेस का भी डिफरेंस रहता है, तो जितना आगे रहते हो उतना कन्वीनियंट रहता है, चाहे फ्लाइट में चढ़ना हो उतरना हो या आपको रेस्ट रूम यूज़ करना हो वॉशरूम यूज़ करना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेबी का डायपर चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप क्यों एक एक रो पीछे करना भी, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मदर। बट दे सेड कि वो पेड सीट थी, तो हमने बोला जब वो पेड सीट थी तो चेक इन के टाइम पे वो क्यों नहीं बताया, ऑल ऑफ अ सडन वो पेड सीट पे कैसे कन्वर्ट हो गया, एंड दैट टू 8th रो, इट्स नॉट रो फर्स्ट रो टू और समथिंग लाइक दैट यू नो, और वो उनके बिजनेस क्लास के बाद वाला जस्ट नेक्स्ट सीट भी नहीं था, इट इज़ 7th रो जो बिजनेस क्लास के बाद होता है, विच आई कैन अंडरस्टैंड वो पेड होती है क्योंकि वहाँ लेग स्पेस ज़्यादा होता है एट्सेट्रा, तो 8th रो को आपने पेड सीट अचानक कैसे बना दिया? एंड आप तो वो बोलते हैं नहीं वो पेड सीट, मैंने बोला आपके ही स्टाफ ने हमें अलॉट किया ना वो सीट, अगर वो पेड सीट थी तो ही मस्ट बी नोइंग इट, सिस्टम पे यू हैव ऑल द डिटेल्स, हम भी जॉब करते हैं वी ऑल नो आजकल सिस्टम पे वी हैव ऑल, अगर वो हमें अलॉट कर रहे थे उन्हें सिस्टम देख के मालूम नहीं था कि ये पेड सीट है और हम ऐसे ही नहीं अलॉट कर सकते, व्हाई डिड ही अलॉटेड मी? सो ऑल ऑफ अ सडन आप अपने प्रॉफिट के लिए अपने मतलब के लिए कम से कम किसी देख तो लो आप किसको परेशान कर रहे हो, आप कस्टमर्स हैं, वी आर ट्रैवलिंग, वी आर चूजिंग यू नॉट बिकॉज कि आप हमें ट्रबल करो, एंड इट वॉज सो अनएथिकल ऑन देयर पार्ट। दिस इज द वन थिंग, जब आपके साथ बेबी होता है स्पेशली, अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो इट्स ओके, मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं हम कभी नहीं कहते इट्स ओके यार आपके पीछे कर दिया, आपको पता है आपके साथ बेबी, और दूसरा आपका रीजन जस्टिफाइड नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, आप अचानक से एक सीट को करके बोल रहे हो, और मैं आज भी मेरे पास बोर्डिंग पास है, आप ये देखिए मतलब आप ऐसे ही मैनुअली कट कर दिया, पीछे वाली दे दी, और ये कैसे हुआ सिस्टम, आपने हमें वो सिस्टम जनरेटेड बोर्डिंग पास दिया उस सीट का, एंड वी कुड नॉट फाइट देयर, ऑब्वियसली हम वहाँ लड़ने नहीं गए थे, हम मुझे मेरे बच्चे के साथ मेरी फैमिली के साथ शांति से ट्रैवल करना, आई डोंट वांट एनी कियोस, तो ठीक है, उसके बाद भी उनका एक स्टाफ आके हमें पूछ के गया, आप हम लोग के नाम हमारे बोर्डिंग पास देख के गया, आई डोंट नो वाई हमारा बोर्डिंग पास क्या चेक कर रहे हो, हम तो पूरे प्रोसीजर के साथ आ गए और हम काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए थे, आपने व्लॉग में भी आप देखो कि हम लाउंज भी गए, हमने इधर उधर हमने एक्सप्लोर भी किया एयरपोर्ट, विच मीन्स हम बहुत राइट ऑन टाइम थे, ये भी नहीं कि हम लास्ट मोमेंट पहुँचे हैं कि उनसे यू नो जल्दीबाजी में कुछ हुआ हो। विस्तारा आई मीन आप एक मदर का, एक मदर की परेशानी या आपका बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर था, अनएथिकल बिहेवियर था, एक मदर को क्या दिक्कत हो सकती है, आपने वो भी नहीं समझा, मेरे बोलने पे भी आपने नहीं समझा,
इट वॉज रियली वेरी बैड.